JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क वाला गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, भामाशाह मार्ग, गांधी चौक, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDS राजस्थान में स्वागत है। नागौर का पशु मेला चल रहा है और यह विश्व प्रसिद्ध पशु मेला है, क्योंकि नागौर का प्रसिद्ध है नागौरी बैल, और नागौरी बैल की 6 से 8 दांत की प्रतियोगिता इस वक्त रिंग में चल रही है। पशुपालन विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं और जांच करने के पश्चात जो जोड़ी सबसे खूबसूरती, नस्ल वगैरह वगैरह सभी चीज़ों के जो नंबर्स जिनको सबसे ज़्यादा मिलेंगे उन्हें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में इनामित किया जाएगा। नागौर के पशु मेले से आइए, इस प्रतियोगिता में 6 से 8 दांत के नागौरी बैल की इस प्रतियोगिता में विजयी कौन होता है, आइए देखते हैं। और ये देखिए 6 से 8 दांत के नागौरी बैल, जिसमें हम कह सकते हैं कि ये फुल बड़े नागौरी बैल हैं जिनकी प्रतियोगिता इस वक्त यहाँ चल रही है। ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैल की जोड़ियाँ घूम कर प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैल की जोड़ियाँ, ये देखिए अपना प्रदर्शन कर रही है। ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैल की प्रतियोगिता ही चल रही है। और ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैल की जोड़ी जो यहाँ पर, ये देखिए सबका ध्यान खींच रही है और प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। प्रतियोगिता में रिंग में जो है बैल पहुँच चुके हैं। भाऊ जी थोड़ा सा यूँ घूमिएगा, चेहरा इधर घुमाइएगा, अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम रामकिशोर फरोदा, गांव बाकरोद है। तो आप ये जो जोड़ी लेके आए हैं, खूबसूरत जोड़ी है, क्या कहेंगे, अपने बच्चों की तरह पालते हैं, किस तरह से? बिल्कुल बच्चों की तरह पालते हैं। बच्चों की तरह पालते हैं, क्या खिलाते हैं इनको? इनको घी और दूध पिलाते हैं। घी दूध पिलाते हो? और शाम को आधा आधा किलो तिल और गुड़ पाते हैं इसको। तो अब ये कितने साल के हैं? ये एक तीन का, एक साढ़े तीन का। एक तीन का, एक साढ़े तीन का। और कितने कितने दांत के हैं ये? छह दांत के। एक अभी मिल गया और एक छह का है। तो यहाँ जो रिंग में आप आए हैं, थोड़ा सा बाबूजी यूँ घूमिएगा। 6 और 8 की प्रतियोगिता है। 6 और 8 की भी प्रतियोगिता चल रही है। तो ये बैल आपके क्या यही है या और भी बैल है आपके पास? नहीं, मेरे पास 2 ही है। अब हमने 2 इनको सेल कर दिया 2,11,000 रुपये। अच्छा, सेल कर भी दिया। अगली मंडी के लिए 2 दूसरे बच्चे मंगवा लिए। अच्छा, प्रतियोगिता में आने से पहले सेल कर दिया? कर दिया सेल 2,11,000 रुपये में। बिल्कुल कर दिया। तो अभी ये जीते तो, अभी ये जीत गए तो? जीत गए तो बहुत खुशी की बात है। जीत गए तो वो तो मालिक तो वो हुआ? नहीं, मालिक तो अभी तो हम ही है। अच्छा, इनाम आपका है? इनाम आपका। फिर भी एक बड़ी बात है, जो जीतेगी जो जोड़ी उसकी निश्चित है कि वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, इज्जत बढ़ती है। इज्जत बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, किसान का हौसला बुलंद होता है। बिल्कुल बढ़ती है, अपने समाज की बढ़ती है, सबकी बढ़ती है। आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं पुलिस में सर्विस करता हूँ। अच्छा, पुलिस में है? बिल्कुल है। और बैल भी रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। ये देखिए घर के पार निकला है। गोवंश को संवर्धन के लिए प्रोत्साहन कर रही है, तो आप इसमें सहभागी बनकर अपनी नागौर नस्ल को वापस वही पहचान दें जो विश्व विख्यात है, जो अपने देश के लिए प्रसिद्ध है। मैं सभी से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें, क्योंकि इसलिए रिंग में सभी से बढ़कर एक खूबसूरत, आप इसमें ये कभी मत देखो, मेरा पार्टी खूबसूरत मेरा नागौरी बैल, ये तो एक इनाम है। परंतु आप कोशिश करो कि अच्छी से अच्छी प्योरिटी का ध्यान रखें। खूबसूरत हिम्मत रखो, हिम्मत नागौरी बैल। अब देखो 8 और 6 में आ रहा हूं तो अगले साल तैयारी करूंगा, हिम्मत रखो। ये देखिए खूबसूरत नागौरी बैल, सही का एक एक बढ़कर एक, कि कुछ निर्णय करना भी बड़ा मुश्किल होगा। अंत में इनाम नहीं, बड़े ही ध्यान से निर्णय के द्वारा, पशुपालन विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये निर्णय किया जाता है। वही प्रथम आ जाए, इसलिए कभी भी हिम्मत मत। खूबसूरत बैलों की प्रतियोगिता एक से बढ़कर एक, नटखट बैल अपनी नटखट अदा दिखा रहा है। ये देखिए खूबसूरत बैलों की फाइट, देखिए एक आदमी भी नागौर नस्ल जाता है। बैल जोड़ी पशुपालन को हितार जो जजेस मानभाव ने निर्णय लिया है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ हमारे जजेस मानभाव को कि उन्होंने इनाम तो प्रथम द्वितीय तृतीय है ही है, उसके साथ में तीनों जोड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप इनाम देने का
निर्णय पशुपालक हितार्थ आपने लिया है के लिए चंदाराम जी को सांत्वना पुरस्कार नागौरी नस्ल है प्रोत्साहन पुरस्कार मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन का काफी आगे है, इसमें पोल पीला कलर आ गया नागौरी नस्ल में, ये ड्रैगन नहीं आना चाहिए। जोरदार तालियां राम कुमार जी के लिए, थोड़ा आराम से सीधे खड़े करो और मुंह इस तरफ करो। प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में प्रोत्साहन स्वरूप प्रोत्साहन पुरस्कार मिल रहा है राम कुमार जी को। इनाम और है, एक बार जोरदार तालियां राजू राम जी जिनके बेल की जोड़ी को भी प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा रहा है। और सफेद रिबन बांधा जा रहा है। और राम जी प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार जीतने वाली एक बार बेल की जोड़ी करना चाहूंगा। जोरदार तालियां घमंडा राम जी के लिए। आप इनकी उम्र देखिए और घमंडा राम जी के बेल की जोड़ी पूरी तृतीय पुरस्कार नागौर मेले में जीते हुए बहुत बहुत बधाई। और खेमा राम जी आपको टॉकर नंबर 4, खेमा राम जी को द्वितीय पुरस्कार, बेल की जोड़ी को द्वितीय पुरस्कार दिया जा रहा है। दो इनाम हो गए मकर में, जिला शामिल। और ये ब्लू रिबन पहनाया जा रहा है सेकंड रनर विजेता। खूबसूरत बैलों की जोड़ी जिनको सेकंड इनाम दिया जा रहा है। विजेता फर्स्ट इनाम रामकिशोर जी, फिरोदा निवासी भाकरौत तहसील रामकिशोर जी, बहुत बहुत जिनको प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। बैल की जोड़ी, खूबसूरत बैल की जोड़ी के जो गुण होने अच्छी और वाकई यह है खूबसूरत नागौरी बैल। पहले से ही सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे, बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। जब रिंग शुरू हुई थी तब भी मैंने इनका इंटरव्यू लिया था और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे, इतने खूबसूरत बैल रामकिशोर जी के। और जिनको प्रथम पुरस्कार मिला है सांड बछड़ा नागौर नस्ल माई लियो, जिसमें 6 से 8 दांत के नागौरी बैल। और ये देखिए रामकिशोर जी की बैलों की जोड़ी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है सांड बछड़ा नागौरी बैल पशुपालक अपने। और ये देखिए विजेता जोड़ी बाहर निकल रही है। फर्स्ट प्राइज लिया है रामकिशोर जी, और जिनकी मैंने पहले भी कार्यक्रम शुरू हुआ जो ही मैंने इंटरव्यू भी लिया था, क्योंकि ये जोड़ी भी ध्यान खींच रही थी अपने आप ही। इसकी खूबसूरती और इसकी जो हाइट है, मैं देख रहा हूँ कि शायद ये मेरे से भी ज़्यादा हाइट के लग रहे हैं, मेरी भी 5'8" हाइट है। तो इतने लंबे चौड़े खूबसूरत नागौरी बैल की जीत की बधाई हो पहले तो आपको, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। मैंने आपका पहले ले लिया था परंतु अब आप जीत चुके हैं, जब आप कह रहे थे कि निर्णय जो होगा मंजूर होगा मुझे, निर्णय तो मंजूर ही था, तो अब तो आप जीत भी गए, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो यूं डबल खुशी। डबल खुशी है? समाज की, गांव की, डिपार्टमेंट की, सबकी खुशी। अब एक बार इस पे फिर से अपना एक परिचय नाम पूरा बताओ आप, गांव का नाम। मेरा नाम रामकिशोर फरड़ोदा, गांव भाकरौत, जिला नागौर। जिला नागौर। तो अब आप इस बैल की जोड़ी को, मैंने पहले कहा था कि आपने इसको सेल आउट कर दिया, अब इसकी कीमत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई, अगले का मान सम्मान होगा। अब मन में मना नहीं हो रहा कि यार ये बिल्कुल बिल्कुल ये अभी और महंगी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, परंतु कोई अफसोस नहीं है, नहीं कोई अफसोस नहीं। नए खूबसूरत बैल पालेंगे और बिल्कुल ले लिया बच्चा हमने तो। अच्छा, ले लिया, ले लिया। फिर से अगली प्रतियोगिता की तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और ये रामकिशोर जी जिन्होंने कहा कि मैंने अगली प्रतियोगिता की तैयारी कर ली है, और ये खूबसूरत बैल की जोड़ी जिसने यहाँ नागौर के पशु मेले में सबका और बल्कि जजेज का दिल जीता है। मैं नागेश कुमार कौशिक, नागौर पशु मेले से अनिल प्रजापति के साथ, आप सभी का धन्यवाद।